हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महंती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा सीलिंग का हिच के ऊपर। तो सीलिंग का हिच में रिगिंग के दौरान हमारा कैसे लोड कैपेसिटी वैरी करता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली जो ही चीज होता है जेन्युइनली हम लोग रिगिंग के दौरान चार प्रकार का हिच को हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो चार प्रकार का हिच को हम लोग यूज करते हैं, पहला हिच हो गया आपका वर्टिकल हिच, और सेकंड जो हिच होता है उसको हम लोग बोलेंगे आपका जोकर हिच, और थर्ड जो हिच होता है ये हो गया आपका बास्केट हिच, और फोर्थ जो हिच होता है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिडल हिच। तो पहला हम बात करेंगे वर्टिकल हिच के ऊपर। तो वर्टिकल हिच हमको किसको बोलते हैं ना, वर्टिकल हिच जो सीलिंग का एक पार्ट आपका डायरेक्ट लिफ्टिंग मटेरियल में लगता है और दूसरा जो पार्ट है वो जाके आपका डायरेक्ट आपका लिफ्टिंग इक्विपमेंट में लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल हिच। तो वर्टिकल हिच जो होता है इसमें सीलिंग का जो कैपेसिटी रहता है ये 100% तक आप इसमें लोड उठा सकते हैं। देन हम लोग सेकेंड में जो बात करेंगे आपका चोकर हिच। तो चोकर हिच जो होता है, चोकर हिच एक्चुअली आपका जो लिफ्टिंग मटेरियल होता है उसका चारों तरफ सीलिंग को घुमा के लाके तो फिर सीलिंग में वो आई को आपको अटैच करना पड़ता है, और दूसरा जो आई रहता है उसको आपका लिफ्टिंग हुक में आपको लगाना पड़ता है। तो ये जो हिच होता है इसको आप लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं चोकर हिच। तो चोकर हिच में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, चोकर हिच में जो सीलिंग का जो रेटेड कैपेसिटी होता है उसका हम लोग को 20-25% कैपेसिटी जो होता है लेस करके हमको लिफ्टिंग करना पड़ता है। तो लिफ्टिंग करने से क्या होता है ना, आप सेफ साइड में रहता है और वहां पे सीलिंग का कैपेसिटी 20-25% डिक्रीज होता है। देन हम ये जो चोकर हिच है इसको कई तरह का हम लोग भी यूज करते हैं, जैसे कि डबल सीलिंग से भी हम लोग चोकर हिच मार के हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं, और एक हिच होता है जो डबल रैप चोकर हिच होता है। तो डबल रैप चोकर हिच क्या होता है ना, आपको जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है या लिफ्टिंग मटेरियल जो होता है उसका दोनों तरफ मतलब दो बार उसके ऊपर रैप करके देन हम लोग चोकर मारते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल रैप चोकर हिच। तो यहाँ पे जो फोटो है इसमें आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता होगा कि डबल रैप चोकर हिच हम लोग किसको बोलते हैं। और देन हम लोग का जो थर्ड हिच के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड हिच आपका हो गया बास्केट हिच। तो बास्केट हिच जेन्युइन क्या होता है ना, बास्केट हिच में सीलिंग का जो दोनों एंड रहता है वो लिफ्टिंग हुक में अटैच रहता है, और इसके बीच में जो जगह बनता है उस जगह में हम लोग मटेरियल को लिफ्ट करते हैं, मतलब जो यू शेप बन जाए सीलिंग का, दोनों सीलिंग का आई को हम लोग लिफ्टिंग हुक में लगाने के बाद उसका जो यू शेप सीलिंग का बन जाता है वो यू शेप के अंदर जो मटेरियल को हम लोग डाल के लिफ्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका बास्केट हिच। तो बास्केट हिच में भी हम लोग रैपिंग करके यानी डबल रैप बास्केट हिच भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बास्केट हिच में आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो सीलिंग का जो दो लेग इसमें बनता है ये दोनों लेग में आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, और बराबर होने के वजह से दोनों लेग में हम लोग सीलिंग से हम लोग आराम से लोड देके हम लोग मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको सीलिंग का जो रेटेड कैपेसिटी होता है उसका 200% तक हम लोग लोड उठा सकते हैं। अगर कोई 5 टन का सीलिंग से हम लोग बास्केट हिच से कोई मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं तो 10 टन तक उसका SWL बन जाता है और 10 टन तक मटेरियल उसमें हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी सीलिंग का 100% लोड को लेके हमको कोई भी मटेरियल को लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 100% लोड लेके सीलिंग से मटेरियल को लिफ्ट करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी कभी किसी भी वजह से अगर कुछ भी तरह का
जर्क लोड आता है तो वहाँ पे सीलिंग फेल्यूअर होने का चांस रहता है। तो हमेशा इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि 20% लोड कैपेसिटी को आपको हाथ में रख के आपको लिफ्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। अगर कोई सीलिंग का जो 100% कैपेसिटी है उससे 20% लेस करके आपको लिफ्टिंग करना है तो आपका जो 20% बैलेंस रहेगा ये आपका जर्क लोड के समय ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जर्क लोड कभी नहीं होना चाहिए और कभी सीलिंग के ऊपर जर्क लोड नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका सीलिंग भी खराब होता है और आपका लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर भी झटका लगता है, जिससे आपका लिफ्टिंग इक्विपमेंट भी फेल्यूर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। देन हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट हिच है इसको होता है ब्रिडल हिच। तो ब्रिडल हिच जो होता है ये आपका सिंगल लेग से भी ब्रिडल हिच हो सकता है और आपका डबल लेग से भी होता है और थ्री लेग से भी होता है और फोर लेग से भी होता है। तो ये सारा जो फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये सारे फोटोग्राफ आपका ब्रिडल हिच के ऊपर। तो ब्रिडल हिच में जो एंगल जनरेट होता है तो ये एंगल के हिसाब से आपका सीलिंग का लोड कैपेसिटी वैरी करता है। तो ये जो एंगल फैक्टर है सीलिंग का, एंगल फैक्टर के ऊपर कैसे लोड कैपेसिटी वैरी करता है तो इस रिलेटेड में मैं नेक्स्ट आपको एक वीडियो बना के पूरा क्लियर से दिखाने वाला हूँ कि एंगल फैक्टर में कैसे सीलिंग का लोड डिक्रीज और इंक्रीज करता है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मेरे को आशा लगता है ये चीज़ कि आपको हिच की सीलिंग का जो हिच होता है रिगिंग के दौरान हम लोग व्यवहार करते हैं वो सारे के ऊपर इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।